बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ग्राफ सिंपली हम बनाते रहते हैं और अक्सर हमें कोई एडवांस उसी ऑप्शन से ग्राफ की मदद से चार्ट बनाना हो कोई, तो वो किस तरह से हम बनाएंगे। इस थर्मामीटर जो ग्राफ होता है वो अपने किसी भी डेटा पे अगर हमें बनाना है, तो ये आज की छुट्टी में सीखने को मिलेगा। पहले देख लें एग्जाम्पल को और फिर किस तरह से इसका बनेगा, ए से लेकर जेड तक हर ऑप्शन में आपको समझाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर देखें इस तरह से कुछ ये बना हुआ है, और इसको हमने यहाँ से टोटल परसेंटेज जो बनी है, गिवन नंबर या रिजल्ट्स के कुछ नंबर्स हैं उनकी परसेंटेज के हिसाब से टोटल परसेंटेज 100 में से इतने आए। अब इसकी एक शीट हमारी यहाँ से कंट्रोल है, आपको सिर्फ यहाँ पे दो सेल को टारगेट रखना है, एक टारगेट परसेंटेज और जितनी गिवन परसेंटेज यानी अचीवमेंट हुई है, इन दोनों की मदद से ये ग्राफ बनेगा। अब मैंने जो लिंक करा हुआ है ये भी मैं आपको डिटेल समझा दूंगा, मैंने ड्रॉप डाउन से लिंक करा हुआ है, मैं स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देख रहा हूँ और जिस स्टूडेंट की जितनी परसेंटेज है उसका रिजल्ट हमारे पास थर्मामीटर चार्ट में आ रहा है इस तरह से। तो ये किस तरह से बनेगा, सिंपली ड्रॉप डाउन हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये शीट डाटा हमारी आ रही है, इसमें हमारे पास नेम है, सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे हमने सम फॉर्मूला लगाया हुआ है, फर्स्ट रो के ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करके एंटर ड्रैग, और परसेंटेज के लिए 100 नंबर का टोटल काउंट करा हमने और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया और फर्स्ट डिवाइड किया ऑप्टेन से, तो ये परसेंटेज आ गई। यहाँ पर शो करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है डेटा मेन्यू में, यहाँ पे हम डेटा ऑप्शन के अंदर लिस्ट ऑप्शन क्लिक करके शीट में गए और वहाँ से सारे नाम सेलेक्ट कर लिए हमने इस तरह से, ऑल नेम ओके करा हमने, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गई हमारी। अब ड्रॉप डाउन की मदद से ये हमारे मैनुअल नाम लिखे हुए आ रहे हैं, इधर हमने सब्जेक्ट को वी लुकअप से उठा लिया, ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पर इक्वल वी लुकअप वैल्यू ये हो गई F4 कॉमा, टेबल रेंज में हमने नेम बेस कॉलम से हमें ऑल सेलेक्ट करना है डेटाबेस, तो नेम से हमने ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए इतने। अब ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, हमें कॉलम नंबर बताना पड़ता है यहाँ पर, तो हमने रो फंक्शन यूज करा, रो फंक्शन 2 हमें चाहिए था तो रो माइनस 2 करा, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया, देखिए यहाँ पे इस तरह से। जब नीचे लाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं नेम सेफी, अब देखिए 44, 73, 68, 44, 73, 68, 95, 70, 52 और 50, 95, 70, 52 और 50, तो ये हमारे फर्स्ट के आ गए रॉ नंबर के हिसाब से। जब हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगे रॉ नंबर के साथ नीचे ड्रैग करा तो ऑटोमेटिक कॉलम 3 कॉलम 4 हो गया, जिसका डाटा हमें यहाँ पे आराम से शीट 1 से मिल रहा है, और इसको हमने यहाँ पे एवरेज फंक्शन के साथ यूज किया, टोटल में एवरेज को ऑल सेलेक्ट करके डिवाइड 100 कर दिया, तो इसकी परसेंटेज इजीली यहाँ पर आ रही है। अब जो भी ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी परसेंटेज इधर आ रही है और 100 में से कितनी परसेंटेज आई है उस हिसाब से ये थर्मामीटर चार्ट फिल हो रहा है ऑटोमेटिक। अब सिंपली जब ये सारा काम हो जाएगा, अगर मैंने जल्दी में बता दिया कुछ समझ में नहीं आया होगा जो फर्स्ट देख रहे हैं, तो उनको ये करना है कि स्लो स्लो करके रोक रुक कर वीडियो को देखें और इसको स्टेप के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है जी। अब यहाँ से सिंपल ये सब काम करने का, जो भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे उनके नंबर और उनकी परसेंटेज यहाँ पर आ रही है, इसमें 100% हमने डायरेक्ट टाइप करा हुआ है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसको किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए मैं इसको अभी यहाँ फिलहाल साइड पर रख रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ हमने ये भी कम्बिनेशन रखा हुआ है थोड़ा सा, और इसको दोनों को हम उठाएंगे यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा ये। जब ये सारा काम आपका हो जाएगा, आपका कोई भी डाटा है सेल्स का डाटा, इस तरह से आपको उसमें परसेंटेज के हिसाब से नंबर चाहिए, तरीका मैंने बता दिया। अब दोनों को सिलेक्ट करना है आपने सेल को, इंसर्ट में जाएंगे, सबसे पहले कॉलम में हमारे पास 2D कॉलम आ रहा है क्लिस्टर्ड, इसको ले लेंगे। अब ये काम करने के बाद आपको कलर यही रखना है तो ये रख लें, चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, चेंज के लिए मैं भी बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसको करीब में लाना है, तो इसके लिए आपको चार्ट डिजाइन, इसके जब क्लिक करेंगे इसके मेन्यू आएंगे चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट, चार्ट डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे दिया स्विच रो कॉलम, स्विच रो कॉलम से ये इस तरह आ जाएंगे। अब इसका कलर जो राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज और यहाँ से हम जाएंगे फिल सीरीज के अंदर, इसको हम सॉलिड, आपको इसको असल में देखना होगा, यहाँ जो हमारे पास वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है अप डाउन वो इस वाले कलर से हो रही है, तो यहाँ पे आपको जो भी इसका कलर रखना है, अब यहाँ पे मैंने ये वाला कलर रखा, वो आप अपना कलर उसको सिलेक्ट कर लें। अब जैसे मैंने ये रख लिया है तो अब इसको इस तरह से रख लिया हमने, फिर इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा सीरीज का ऑप्शन आएगा सेकेंडरी एक्सिस और ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब इस तरह से आने के बाद इसका कलर हमें नहीं चाहिए, ऑरेंज कलर जो आ रहा है, तो यहाँ से फिल में जाएंगे और सॉलिड फिल कर देंगे 9, ठीक है। सॉलिड फिल 9 के साथ इसका बॉर्डर हमें चाहिए, तो बॉर्डर ऑप्शन के लिए इसको
सॉलिड लाइन पे क्लिक करेंगे और बॉर्डर ऑप्शन के लिए इसमें जाकर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसकी विथ करेंगे, इसकी स्क्रोल करके इसकी विथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है जी, अब ये काम इतना करने के बाद यहाँ से जो डिटेल आ रही है ये एक्सेस, इसको हटा देंगे, चार्ट टाइटल हटा देंगे यहाँ पर, और यहाँ से ग्रिड लाइंस को हटा देंगे, ग्रिड लाइंस, और यहाँ से जो लेवल्स आ रहे हैं एक्सेस को हटा देंगे, और इसका जो पॉइंट आ रहा है 0 से 120 आ रहा है, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सिस फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन, फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे मिनिमम 0 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ये काम करने के बाद अब ये जो लाइंस आ रही हैं यहाँ पे राइट की तरफ, ये जो इस तरह का थर्मोमीटर बना हुआ है जो नंबर ग्राफ की वैल्यू को शो कर रहा है, तो इसके साथ हमें इस तरह की लाइंस चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट जहाँ पे एक्सेस ऑप्शन को ऐड किया है हमने, इस पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन आएगा, और इसमें जाएंगे मेजर टाइप में, इनसाइट कर देंगे यहाँ से। ठीक है जी, इनसाइट क्लिक करेंगे तो देखें कुछ इस तरह से ही आ जाएगा, और इसका अब फिल कलर नो करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट मेन्यू इसका चार्ट का, शेप फिल कलर नो, आउटलाइन कलर नो। ठीक है जी, मेन शेप को भी इसी तरह से फॉर्मेट में जाए, शेप फिल को नो कर दें, आउटलाइन को नो कर दें। अब देखें जैसे ये क्लियर नजर आ रहा है, सेम इसी तरह एज इट इज ये भी नजर आएगा, और इसकी विथ जो आ रही है इसको हम कर देंगे कम, और जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है जी, अब जो लेबल्स आ रहे हैं इसकी वैल्यू लिखी हुई 68%, तो इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक के साथ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा 8 डेटा लेबल्स। ठीक है जी, ये डेटा लेबल्स, अच्छा अभी जो राइट क्लिक किया है हमने तो ये टॉप वाला जो ये वाली बार है इसका लेबल 100% वाला शो हो रहा है, हमें ये अंदर वाला जो लेबल है 2 इसका परसेंटेज ऑप्शन शो करना है, तो यहाँ से कोई मसला नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, प्लस क्लिक करेंगे, डेटा लेबल्स का चेक हटाएंगे, और अंदर वाला सिलेक्ट करने के लिए कॉलम ग्राफ अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज यहाँ पे प्राइमरी क्लिक करें, और फिर इस वाले पे क्लिक करके राइट क्लिक ऐड लेबल्स कर दें, ऐड लेबल्स के साथ आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो अपने हिसाब से फॉर्मेट दे दें, बोल्ड वगैरह इटैलिक वगैरह फॉर्मेट के साथ। और अब यहाँ पर आप दोबारा इस पर जाए लेबल्स के अंदर, और यहाँ सेकेंडरी क्लिक कर दें तो दोबारा से ये सेट हो जाएगा, इस तरह से चेक लगा दें और ये वैल्यू ये वाली हटा दें यहाँ से। ठीक है जी, इतना हो गया ये काम हमारा, और अब ये जो सर्किल सा बना हुआ है इसे हमें थोड़ा सा सेट करना है। ठीक है जी, इसके लिए इसी की कॉपी ले लें, या तो या इंसर्ट में जाकर शेप्स ऑप्शन में जाएंगे, ओवल, यहाँ से ओवल सेलेक्ट करेंगे और फिर ड्रॉ। ड्रॉ करने के साथ इसका जब क्लिक करेंगे शेप फॉर्मेट मेन्यू आ रहा होगा, शेप फॉर्मेट से आप जाके इसका कलर सेलेक्ट कर लें, और इसकी आउटलाइन कलर से नीचे शेप आउटलाइन का ऑप्शन होगा, शेप आउटलाइन कलर नो कर दें, और इसको फिर अपने हिसाब से सेट कर लें। अब देखें यहाँ से सिंपल दोनों एक ही साथ हमने अप्लाई करे हुए, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी दो का डेटा अगर कंपेयर करना है तो दो के लिए भी आप अलग अलग दोनों को बना सकते हैं। अब फर्स्ट हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो दोनों की वैल्यू एक साथ चेंज हो रही है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का फाइनली टॉपिक जो कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ हमें सिंपल इधर ड्रॉप डाउन से इसको चेंज करना है, जो ग्राफ होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली डेटा को चेंज करता रहेगा इसके अंदर। सिंपल ग्राफ ऑप्शन ऑप्शन को यूज करके उनको एडवांस थर्मोमीटर चार्ट बनाने का तरीका मैंने एक्सप्लेन किया, तो वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।